तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वी टॉक चैनल में। दोस्तों ये है हमारे आस्क वी टॉक Q&A सीरीज का एपिसोड नंबर 1 और ये एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं आपके लिए। इसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। देखिए, एक दिन पहले मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था जिसमें मैं आपसे बोला था कि आप अपने क्वेश्चंस को #VTalk के साथ #AskVTalk के साथ कमेंट करिए और उनका रिप्लाई मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो नेक्स्ट बार जब भी ये आस्क वी टॉक का मैं पोस्ट डालूंगा कम्युनिटी टैब में, आप उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपने क्वेश्चंस को वहां पर कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से आंसर भी मिल जाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए हैं पर मैं सभी क्वेश्चंस के तो नहीं पर इतने क्वेश्चंस के जरूर आंसर कर दूंगा जिससे आपको लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर है अनस वाहिद भाई का। देखिए ये क्वेश्चन इतना पॉपुलर है और जब से Amazon पे बैलेंस आया था ये क्वेश्चन अपने साथ-साथ लेकर ही आया था कि भाई तुम मुझे बैंक में ट्रांसफर करोगे कैसे। तो यहां पर क्वेश्चन यही है कि Amazon पे बैलेंस टू बैंक कैसे ट्रांसफर करें विदाउट एनी चार्ज। तो देखिए अनस भाई, इसका आंसर एकदम सिंपल है। इसके लिए बीच-बीच में कोई ट्रिक, बग, लूप होल आते रहते हैं जो मैं अपडेट करता हूं टेलीग्राम चैनल पर और YouTube पर भी। उस समय आप शायद फ्री में कर पाए पर रेगुलरली अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बहुत सारे साइट्स पेमेंट गेटवेज होते हैं जहां पर से आपको लगभग मैक्सिमम 10% तक का 5-6% का चार्ज वैरी करता है, इतना लगता ही है ट्रांसफर करने के लिए Amazon पे बैलेंस को बैंक में। बाकी मुझे नहीं लगता है कि अभी Amazon पे बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करने की जरूरत है क्योंकि Amazon में ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पर आप Amazon पे बैलेंस को बढ़िया से यूज कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फुजैल अहमद भाई की तरफ से है और ये क्वेश्चन है IRCTC iMudra ऐप की तरफ से। जो क्वेश्चन आप सभी के मन में हुआ कि कैशबैक का क्या हुआ जो 1000 रुपए में 100 रुपए कैशबैक मिलने वाला था। तो देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले एडमिट करना चाहूंगा, अगर आपने पेटीएम गिफ्ट कार्ड खरीदा था और आपको कैशबैक नहीं मिलता है तो आपका 50 रुपए का लॉस हो सकता है क्योंकि जो IRCTC iMudra ऐप के टर्म्स कंडीशन में जो लाइन थी उसमें एक कैच था, मैक्सिमम TNCs में 10% अप टू ₹100 होता है। तो उसी मिसअंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर हुआ ये कि वहां पर उन्होंने थोड़ा सा ट्रैप बना के लिखा है अप टू 10% मैक्सिमम ₹100। इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि मैक्सिमम 100 तक मिलेगा, मतलब मैक्सिमम 10% तक 0 से लेके 100 तक कैशबैक मिल सकता है। तो बहुत लोगों को यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक के बीच में रैंडम कैशबैक मिल गया है ना कि फ्लैट 100 रुपए का कैशबैक। पर दोस्तों फिर भी यहाँ आप iMudra ऐप के कस्टमर केयर से जो चैट हुई है वहां आप देख सकते हैं ये लोग अभी भी बोल रहे हैं कि 5 वर्किंग डेज के अंदर, वर्किंग डेज में हॉलीडेज काउंट नहीं होते हैं और अभी बीच में 3-4 दिन बहुत सारी छुट्टियां थी, ये लोग अभी भी बोल रहे हैं कि 5 वर्किंग डेज के अंदर वो जो 100 रुपए का कैशबैक है वो मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोग देख लेते हैं, अगर कैशबैक मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो आप ये मान के चलिए कि हो सकता है 50 रुपए का लॉस, जिन्होंने सिर्फ पेटीएम गिफ्ट कार्ड खरीदा था 1050 रुपए देके 1000 रुपए का, उनको लॉस हुआ होगा 50 रुपए का। तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अगर इस ऑफर में आपका 50 रुपए का लॉस हुआ है तो आने वाले टाइम में कोई और ऑफर दे के मैं 50 की जगह आपका 100, 150, 200 से भी ऊपर का फायदा करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इसलिए अगर आपको 50 रुपए का लॉस iMudra ऐप में हो गया है तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने Amazon गिफ्ट कार्ड खरीदा होगा तो आपका यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं हुआ होगा, आपको 1000 का Amazon पे बैलेंस तो मिल ही गया होगा, बाकी जो रैंडम कैशबैक मिला होगा वो आपके लिए एक्स्ट्रा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप मंथली कितना अर्न कर लेते हैं और विच डिवाइस डू यू हैव फॉर लूटिंग एंड अर्निंग्स। ये मेरा पहला फोन Vivo Z1 Pro, हालांकि ये पहला फोन नहीं है, ये मेरा पहला फोन है Vivo U25S, ये पुराना फोन हो गया, ये साइड में रखा हुआ रहता है, वीडियो शूट हो रहा है Asus Zenfone Max Pro M1 से। इतने फोन्स काफ़ी हैं, ये फोन बढ़िया परफॉर्म करता है, ये Max Pro M1 थोड़ा बगी है, मतलब इसका कैमरा क्वालिटी थोड़ा बढ़िया है, इसलिए मैंने इसे शूट करने के लिए और टेलीग्राम पर्पस के लिए रखा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था इनका, आप मंथली कितना अर्न कर लेते हो। भाई देखो इतना तो अर्न नहीं करता हूँ जो यहाँ पर बताया जा सके पर इतना जरूर अर्न कर लेता हूँ कि इतना काम करना उसके लिए वर्थ है। तो आपका सवाल का जवाब मुझे उम्मीद है आपको मिल गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आस्क वी टॉक ये पूछ रहे हैं गौतम चौधरी भाई का क्वेश्चन है, अराटा का कैशबैक कब आएगा, डेट बताइए। तो अराटा का ऑफर मैंने आपको एक्सक्लूसिवली वी टॉक चैनल की तरफ से दिया था, इसमें आपको 600 रुपए के ऑर्डर पर 500 रुपए का कैशबैक मेरे तरफ से यानी वी टॉक चैनल की तरफ से मिल रहा था। तो फरवरी महीने में जितने भी लोगों ने किया था, अप्रैल खत्म होते होते उनको कैशबैक मिल जाएगा और मार्च में जितने लोगों ने किया है, मई खत्म होते होते उनको कैशबैक मिल जाएगा, लॉस नहीं होगा आपका, ये मेरे तरफ से आपको गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ
यहाँ पर 5 पैसा का अकाउंट ओपन किए हुए 2 हफ्ता हो गया पर गिफ्ट कार्ड नहीं मिला। लॉकडाउन के कारण अमेज़न की तरफ से भी गिफ्ट कार्ड थोड़े डिलेड डिलीवर हो रहे हैं, इसलिए 5 पैसा भी आपको थोड़ा सा डिले करके गिफ्ट कार्ड दे रहा है, पर मिल जाएगा जरूर, ये आपको मेरे तरफ से गारंटी है, जरूर मिलेगा अगर आपने सक्सेसफुली अकाउंट ओपन कर लिया है तो। और अभी फिलहाल के लिए 5 पैसा का ऑफर पॉज हो गया है, कल रात 12 बजे तक यानी 14 अप्रैल रात 12 बजे तक ही ऑफर था गिफ्ट कार्ड का, अभी पॉज हो गया है, नेक्स्ट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी कोई भी नया साइन अप आप मत करिएगा, जैसे ही नेक्स्ट ऑफर आता है जो भी अपडेट होता है वो मैं आपको अकॉर्डिंगली दे दूंगा, उसी हिसाब से आप ऑफर को अप्लाई करिएगा और गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए जरूर आपको गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है नील मोदी भाई के तरफ से, विल यू प्लीज लेट मी नो दैट लोटो लैंड ऑफर 200 रुपीज कैश बैक करेंटली एक्टिव और नॉट एंड व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट 200 कैश बैक, इनका ये क्वेश्चन है। तो भाई लोटो लैंड का ऑफर अभी एक्सपायर हो गया है, उसमें 200 रुपए का फायदा आपको हो रहा था बहुत ही आसानी से सिर्फ 24 आवर्स के अंदर, कैशबैक भी आपको मिल जाएगा अगर आपने कैशबैक रिडीम कर लिया है, बस थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है स्वाधीन भाई की तरफ से, भाई तुम यूट्यूब के साथ साथ क्या काम करते हो और तुम्हारा एज बोलो, पिक माई क्वेश्चन, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। भाई थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए और इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर दूंगा। मैं यूट्यूब के साथ साथ अपना जो फैमिली बिजनेस है ज्वेलरी का, ऑटोमोबाइल्स का, उसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ। फिलहाल जॉब करने का कोई इंटेंशन नहीं है, जॉब अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, और यूट्यूब चल रहा है, टेलीग्राम चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में ही सारा कुछ हो रहा है और जो फैमिली बिजनेस है वो तो है ही। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं जरूर आंसर करूंगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, आप स्टडीज में क्या कर रहे हो, स्टडी के साथ जॉब करते हो, जॉब कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उसका आंसर मैंने दे दिया है। क्वेश्चन है संदीप भाई की तरफ से, और स्टडीज में मेरा अभी बीएड का कोर्स चल रहा है, साइड से बीएड करना जरूरी था इसलिए मैंने बीएड का कोर्स अभी ऑप्ट इन किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका आंसर देने लायक नहीं है इसलिए मैं भी आंसर नहीं करूंगा, कभी बाद में इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपका है, कौन सा फोन यूज करते हो, ये मैंने आंसर कर दिया आपको। यूट्यूब पर आने के बाद फ्रेंड सर्कल फैमिली को इम्पैक्ट पड़ा, इंप्रेशन बढ़ा, जी जरूर बढ़ा है, अच्छा इंप्रेशन बना है। अब यूट्यूब पे आने के बाद सबको लगता है कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ और एक्चुअल में बढ़िया काम कर रहा हूँ और लोगों को बेनिफिट होता है इससे, सब लोग बोलते हैं कि तुम बढ़िया कर रहे हो, इसको आगे लेके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूट्यूब पे फ्रेंड कौन कौन है, यूट्यूब पे सभी लोग फ्रेंड है, जितने भी यूट्यूबर है सभी मेरे दोस्त है, कोई भी दुश्मन नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका है, सेवन्थ क्वेश्चन आपका है, फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह, फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार। लास्ट क्वेश्चन, आपकी यूट्यूब जर्नी क्या थी, यूट्यूब जर्नी बहुत ही ईजी रही मेरी अगर आप बोले तो, 28 दिन में ही मेरे 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे एक फ़ोन पे केवाईसी की वीडियो वायरल होके, और यूट्यूब जर्नी बस उस समय से चल पड़ी स्पीड में। बीच बीच में थोड़े जैसे बोल रहे हैं यहाँ पर, आप 2.5 साल से सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच, अगर आप 2.5 साल सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर कितने वेरिएशन आए, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से गैप भी हुआ, बस ऐसे ही चल रही है और जो चल रही है जर्नी वो आपके सामने है। तो बस इस Q&A वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट Q&A वीडियो के लिए कम्युनिटी टैब को आप चेक करते रहिएगा, वहाँ पर पोस्ट आएगा, वहाँ पर अपने क्वेश्चन को पूछिएगा और इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, दोस्तों को वीडियो शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, और इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।